सो गाइस फाइनली अभी टनल से जा रहा हूँ। 1, 2, 3 माय गॉड गाइस, लाइफ का फर्स्ट टनल। अरे गुस्से सुधर भाई, मुझे लग रहा है मैं स्विट्जरलैंड में आया हूँ यार, ऐसा फील हो रखा है। What's up my YouTube family, कैसे हो आप लोग? सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, रोज की तरह। सो गाइस राइट राइट बोलते बोलते ही आज फाइनली टाइम मतलब आ चुका है राइट का। सो पूरा मॉर्निंग 4 को उठ के पूरा नहा धो के पूरा रेडी हो गया था मैं, और जितना भी मतलब कपड़ा वपड़ा लेना था मुझे ये बैग में मैं पूरा वो कर दिया, पूरा फुल हो गया बैग देख सकते हो। सो ये अभी लेके जाऊंगा। उस राइट का जो बोला था धमाका धमाका ब्लॉग आएगा, सो अभी टाइम आ चुका है धमाका धमाका ब्लॉग का। फाइनली पूरा फुल रेडी हो चुका है और बैग भी देख सकते हो पूरा फुल हो चुका है, मतलब बहुत वेट हो चुका है। इधर आगे एक माउंट कर दिया गोप्रो का और पीछे भी एक माउंट कर दिया, एज यू कैन सी देख सकते हो। तो अच्छा अच्छा शॉट आएगा अभी गाड़ी का। इधर हमारा उमू भाई भी आ चुका है, सडन प्लान मतलब उसका था, मतलब कल नाइट को ही हमने प्लान किया और ये भी फाइनली रेडी हो चुका है। सो अभी निकलते, बोल मांगेलो। बाइक अभी फुल रेडी हो चुका है और अभी जस्ट निकलता हूँ क्योंकि बहुत देरी हो गया। आयो लेते मांगेलो। सो गाइस फाइनली राइड इज ऑन। গরম তাতে চলা আছে, পিন্ধি লম দে, যাও নাকি হাই বলে কই দিয়ে তা। সো গাইস ফাইনালি আমি ঘর সে নিকল কে আ চুকা হ, মতলব বহুত এক্সাইটেড হুয়া ইয়ার, মেরা ইয়ে ফার্স্ট রাইড হোনে বালা হ্যায়, মতলব ইতনা লং, তো ইসলিয়ে আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় বহুত। मैं मतलब अंडर एस्टिमेट क्या क्लाइमेट को, मैं सोचा था गर्मी होगा लेकिन अभी आगे देख सकते हो पूरा मतलब धुआं ही धुआं है, मतलब बहुत ठंड है यार। मैं देख सकते हो पूरा नंगा होकर आया हूँ इधर। तो इसलिए मुझे थोड़ा ठंड लग रहा है। डैशबोर्ड का व्यू कैसा आ रहा है? इधर है हमारा तिरंगा और इधर मेरा न्यू ग्लासेस और उधर सिग्नल लाइट ऑन है, चारों हैजर्ड लाइट ऑन है। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, और आज ग्लव्स भी लगा लिया पूरा फुल प्रिपरेशन, और इधर एक माउंट भी लगा दिया। अभी आपको इधर से भी दिखाऊंगा एक बार मेरा फेस। सो गाइस देख सकते हो यहाँ से हाफलॉन्ग का फीलिंग आ रहा है, माँ कैसा माल इतना मतलब ठंडा है, देख सकते हो यार अभी भी पूरा कोहरा, हर जगह कोहरा ही कोहरा। तो कहने को लग सकते और इधर है हमारा उमेश भाई। सो गाइस कितना मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी हाफलॉन्ग पहुंच चुका हूँ, ऐसा फील हो रखा है हमारा इधर ही। सो गाइस फाइनली अभी सब लोग आ चुका है इधर बरमा में, देख सकते हो और सबका बाइक देख लो एक बार। ये है बुलेट और इधर है हमारा सुमन भाई 220 में, बिकी भाई इधर भाई का ड्यूक में इधर देख सकते हो, और इधर है हमारा निटुल भाई। निटुल भाई का इधर है 150 180 सॉरी भाई रोकटीम दास इधर है, और भाई का इधर है ड्यूक 250, और इधर है हमारा उमेश का भाई, और इधर है मेरा बाइक। सो अभी निकलते हैं क्या भाई लोग? चलो चलो निकल। सो गाइस अभी पूरा लाइन अप हो चुका है और अभी निकलते हैं धीरे धीरे। अभी जितना भी इधर भाई लोग है पूरा मतलब पूरा ड्रेसअप करके राइडिंग जैकेट वैकेट लगा के आया है, और मैं पूरा गंजी लगा के आया हूँ इधर। ओ माय गॉड यार, अभी राइडिंग जैकेट भी लेना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा गाइस, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार। अभी रंगिया क्रॉस कर लिया हूँ, अभी बयाटा थरियली मिलेगा हमको, और गाइस अभी राइट का ऐसा वाइब जा रहा है ना, माँ कसम क्या बताओ आपको यार, बहुत मजा आ रहा है यार सही में।
तो गाइस अभी पहुंच चुका हूँ हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर और सरायघाट ब्रिज पहुंच चुका हूँ और इधर पूरा हमारा ग्रुप का लाइनअप। मैं आप लोगों को पहले भी बोला, मुझे पता नहीं बच्चे से क्यों ये सरायघाट में एंट्री करने से बहुत अच्छा लगता है मुझे, आई डोंट नो व्हाई बट कुछ तो है। ओ माय गॉड, सो मज़ा से अभी सरायघाट ब्रिज पे। कर लिया हूँ गुवाहाटी सिटी में, ये है जालुकबारी और यहाँ से अभी सीधा शिलोंग है 105 किलोमीटर, नौगांव है 133 किलोमीटर। तो अभी हम नौगांव तक ही जाएंगे, अभी नौगांव में हम ब्रेकफास्ट करूँगा। खानापारा पार हो चुका हूँ और गुवाहाटी सिटी के अंदर मतलब वीडियो नहीं बनाया बिकॉज उधर बहुत ट्रैफिक का यार, बात करने का मन ही नहीं करता है उधर। तो कैसे अभी खानापारा पार हो चुका हूँ और कैसा लगा हूँ भाई? हिंदी ब्लॉग हिंदी में बात करो। अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी यहाँ तक ऊपर जाने में कैसा लग रहा है पता था। तो अभी थोड़ा बहुत राइडर चला जा चुका है, अभी थोड़ा इधर रेस्ट लिया हूँ, अभी जस्ट खानापारा क्रॉस किया और अभी जो रोड आने वाला है ना गाइस, थासू रोड आने वाला है, देख सकते हो कर्व। हम लोकल देसी का ये बूट इंटरनेशनल सर्किट है ये। सो उधर अभी चलते हैं, अभी लेट्स गो। ए बोल माँ कसम गाइस, क्या मज़ा आ रहा है यार, क्या बताओ आप लोगों को, ऐसा ऐसा कर्व है ना, मुझे तो डर लग रहा है अभी लीन करने में, बिकॉज मेरा जो आगे का टायर रखा हुआ थोड़ा खींच चुका है, इसलिए मुझे थोड़ा लीन करने में प्रॉब्लम, मतलब डर लग रहा है यार। फिर भी देख सकते हो, ओ एम जी गाइस क्या ताड़ी है माँ कसम यार, लेकिन राइड करने में मज़ा आ रहा है। सो गाइस अभी 500 का फ्यूल डाला लेता हूँ, बाद में और ज़रूरत पड़ेगा तो डालूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कैश नहीं है, ATM से पैसा निकालना पड़ेगा। अभी ये पेट्रोल पम्प है ये मेघालय के अंदर है मतलब, तो इसलिए इधर करीबन 2-3 रुपया कम है आसाम से। सो गाइस रोहा क्रॉस कर लिया और अभी हम नौगांव पहुंचने वाला हूँ अभी नेक्स्ट स्टॉप, और अभी ये सेकंड टोल हमारा, फर्स्ट टोल मिला था हमको बायाटा सरियली में और ये सेकंड टोल अभी इधर मिला। तो यार बहुत ब्यूटीफुल वाइब जा रहा है अभी, एज यू कैन सी देख सकते हो रास्ता बहुत सुंदर है। सो नौगांव पहुँचते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस अभी रॉकिन भाई का मतलब रिलेटिव के घर में आया हूँ और इधर हमारे लिए खाना पूरा प्रिपेयर करके रखा है आंटी ने, देख सकते हैं इधर है हमारा उमेश भाई, नितुल भाई, सौरभ भाई, सुमन भाई और बिक्की भाई। मैं बहुत खाना पीना खाऊंगा यहाँ पे और यहाँ से थोड़ा रेस्ट करके निकल जाऊँगा। खाना पीना पूरा टोटली हो चुका है और बाइक देख सकते हो पूरा धूप में इधर खड़ा हुआ है। रॉक टीम भाई का ये मतलब मौसी का घर है, अभी सब मतलब और तैयार हो चुका है, सब मतलब शू लगा लिया मज़ा से सब लोग, अभी यहाँ से निकलेंगे। एयरपोर्ट आरोप कितना किलोमीटर से? 250। सो यहाँ से और 250 किलोमीटर है गाइस, यार हालत ख़राब हो जाएगा, जितना आया था उससे भी ज़्यादा। सो यहाँ से निकलते हैं अभी। हाँ खाना पीना खा लिया, तंदुरुस्त हो गया। अभी करीबन और 220 किलोमीटर जैसा है हमारा हाफलॉन्ग तक, और अभी टाइम हो चुका है करीबन 1 बज चुका है और हम शायद 7:06 को पहुँच जाएंगे हाफलॉन्ग। सो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। पहुँच चुका हूँ ये 3 नंबर टोल गेट पहुँच चुका हूँ, अभी मेरे घर से लेके यहाँ तक 3 नंबर टोल है ये, मतलब ये नौगांव के आगे है ये टोल। और आगे क्या लिखा है देख सकते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिलसर 280, हाफलॉन्ग 150, लमडिंग 18। सो हाफलॉन्ग तक और 150 किलोमीटर है।
लुक एट दैट व्यू एंड जे माय गॉड यार क्या व्यू है माय कसम। माँ कसम गाइस गोप्रो ना इसका जो सौंदर्य है ना वो जास्ती भाई नहीं कर पाएगा यार। माँ कसम यार कितना सुंदर है यार। OMG गाइस मुझे लग रहा है मैं स्विट्जरलैंड में आया हूँ यार। ऐसा फील हो रखा है मुझे ऐसा फील हो रखा है कि स्विट्जरलैंड में आया हूँ मैं यार। OMG यार अभी हो गया टाइम करीबन 4 हो चुका है इवनिंग का और खाना भी कुछ नहीं खाया यार सुबह से। अभी भूख लगा है और हाफलम तक करीबन हमको और 70 किलोमीटर जैसा जाना है। लेकिन यार रोड जो है ना क्या मस्त लग रहा है। उधर हो रहा है सनसेट और इधर हमारा भाई लोग पूरा फुल पेल के चला रहा है। और ये रास्ता में ना गाड़ी चलाने का जो मजा है ना मुझे नहीं लगता है कोई और दूसरा रास्ता में होगा। इधर देख सकते हो अभी हाफलॉन्ग है 52 किलोमीटर, माईबैंग है 7 किलोमीटर, सिलसर है 182 किलोमीटर। गाइस आगे ये क्या है देख सकते हो। माय गॉड मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम, मैं फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे टनल के अंदर से गाड़ी निकालूंगा। OMG आई एम सो एक्साइटेड यार। माय गॉड गाइस लाइफ का फर्स्ट टनल। ए विशु सुधर भाई, ए विशु सुधर भाई। सो गाइस लाइफ में फर्स्ट टाइम आज मैं टनल के अंदर से गाड़ी चलाऊंगा यार, बाइक चलाऊंगा। मां कसम बहुत हैप्पी हूं यार। मां कसम यार क्या लोकेशन में आ चुका हूं यार। सो गाइस फाइनली अभी टनल से जा रहा हूं। 1 2 3 सो गाइस अभी थोड़ा मतलब खराब रोड मिला है और अभी अंधेरा भी हो चुका है और हमको करीबन 25 किलोमीटर जैसा जाना है और रोड देख सकते हो बहुत ख़राब है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं गोप्रो का लो लाइट जो क्वालिटी है गोप्रो का वो तो बहुत ख़राब है आप लोगों को बताइए। और मेरा न्यू ग्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना ख़राब रोड था ना गिरते गिरते किसी तरह से बच गया हूँ मैं। और अभी इधर फ्यूल डाल दिया 1000 का डाला, इधर 100 रुपीज़ है तो 10 लीटर आया। सो अभी मतलब सुबह डाला था मेघालय में 500 का तो अभी तक पूरा हाफलॉन्ग तक ख़त्म हो गया पूरा वो और अभी डाला 1000 का। सो लेट्स गो अभी निकलते हैं। सो गाइस आग का हालत देख सकते हो पूरा लाल हो चुका है। अभी मतलब एक ढाबे में रुका हूँ इधर। अभी नाइट हो चुका है, नाइट का 7 हो चुका है टाइम। और अभी इधर आया है खाना देख सकते हो। सो अभी इधर चिकन थाली ले लिया हूँ, सब लोग इधर इधर बैठा हुआ है ऐसे। सो अभी खाना पीना खाऊंगा और यहाँ से अभी हाफलॉन्ग 20 किलोमीटर है। सो खाना पीना खा के सीधा निकलेंगे। सो खाना फर्स्ट खा लेते हैं। सो गाइस खाना खा के सीधा रूम में आ चुका था, होटल रूम में पूरा चेक इन कर लिया और आप लोगों को होटल रूम नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब दिखने के लिए मिलेगा। और इधर है हमारा नितुल भाई और नितुल भाई का भी एक चैनल है, आप लोग ज़रूर चेकअप करना, नितुल डास करके है। और गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था, होम से लेके हाफलॉन्ग तक राइड कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब हिट कर देना। बाय बाय। যিটো চাই দেখি নাপাওঁ যদিও সপোনে তোমাৰ নাম কয়, তোমাৰো আজৰি খুজিব নোৱাৰো আগৰ কথাবোৰ ভাবি ৰয়, চাৰিওফালে মিছা মাতৰে সুহৰি ধৰিব পৰা নাই এই জীৱন, নাজানো ৰুবতো যাব নোৱাৰো ঘূৰাই দিয়া মোক ভুল লচন।